बहुत ही मज़ेदार आलू पालक कोफ्ता करी बनाने की पूरी विधि मैं बताने वाली हूँ पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप लोगों को राम 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 कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे सो गाइस चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं हम तो आलू पालक कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है आलूओं को 80 मैंने बॉईल कर लिया है फुल कुक नहीं करना है आपको 80 परसेंट इसको बॉईल करना है इसको छील करके हल्का सा ठंडा कर लेना है गरम गरम नहीं हल्का सा ठंडा कर लेना है मुझे थोड़ा सा जल्दी थी तो मैंने गरम गरम ही फ्राई कर लिया है जिसकी वजह से देखिए हल्के हल्के मेरे आलू जो है वो टूट रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको फ्राई कीजिएगा बिल्कुल नहीं टूटेंगे बहुत ही बढ़िया बनते हैं और इसको हाई फ्लेम पर हमको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है देखिए कुछ इस स्टेज तक इसको फ्राई करना है और जब ऐसे हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे और इस पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ पूरी रेसिपी देने वाली हूँ तो अगर सडनली से आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो कोई या फिर कोई सब्जी नहीं समझ में आती है ना तो उसके लिए भी मैं बहुत ही अच्छी सी एक टिप देने वाली हूँ कि आप घर में रखी चीज़ों से सिर्फ आलू आपके पास हो तो आप कैसे बहुत ही मज़ेदार सी आलू कोफ़्ता करी बना सकते हैं आलू पालक कोफ़्ता करी तो चलिए आगे की रेसिपी देखते हैं हमने आलूओं को निकाल लिया है और हमने मसाले के लिए लिया है प्याज ये दो मीडियम साइज़ की प्याज़ थी अगर बिग साइज़ की है तो आप एक ले लीजिएगा और इसको मैंने छील के रफली कट कर लिया है और मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि पालक थोड़ी सी फीकी होती है तो उसको स्पाइसी बनाने के लिए मैंने छः छः से सात हरी हरी मिर्च ले लिया था और इसको मैंने इसका डंठल निकाल दिया और दो छोटे छोटे टोमेटोज थे उसको कट कर लिया है मैंने मीडियम साइज़ के थे और तीन से चार कलियां लहसुन के लिए हैं इनको छील लिया है और अब इनको हम पीसेंगे नहीं इनको हम चॉप करेंगे अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इनको दरदरा पीस लीजिएगा चॉपर में डाल करके एक साथ ही सब कुछ हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक एकदम बारीक सा चॉप कर लेंगे अच्छे से अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप मिक्सर में इसको दरदरा हल्का सा दरदरा पीसेगा एकदम स्मूथ पेस्ट मत बनाइएगा क्योंकि इसमें स्मूथ पेस्ट नहीं जाता है इसी तरह आप बनाएंगे तभी बहुत ही अच्छी वाली आपकी जो पालू पालक कोफ्ता करी है वो बन रेडी हो जाएगी और इसको क्या करेंगे पल्स पल्स करके पहले इसको हम अपने जो प्याज है हमारी इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं देन आगे, आगे आपको रेसिपी बताते हैं और इसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप मत कीजिएगा अदरवाइज कोई भी स्कि... जो क्लिप है वो छूट जाएगी तो आप बाद में बोलेंगे कि अच्छी नहीं बनी या फिर आप पूरी रेसिपी नहीं देते हो तो देखिए कुछ इस स्टेज तक हमको इसको चॉप करना है अगर आपको चॉप नहीं करना है तो आप देख लीजिएगा इसी तरह पीस लीजिएगा और सेम जो कढ़ाई है उसमें जो तेल था हम तेल और नहीं एड करेंगे इसी में हम ऐड करेंगे ही स्पून और एक टी स्पून हम डाल देंगे जीरा और इसको हल्का सा करमलाइस होंगे हल्का सा भून देंगे मतलब और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आगे की जो चीज़ें हैं जो हमने पेस्ट बना करके रखा है हल्का सा जब ये भून जाएगा जो हमारा जीरा है तो इसमें हम अपना जो पेस्ट है उसको ऐड करेंगे और पेस्ट को ऐड करने के बाद आपको साथ के साथ ही बाकी चीज़ें भी ऐड करना है पहले हम इस पेस्ट को ऐड कर देते हैं और इसको वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें थोड़ा पानी हमको चाहिए होगा आगे मसाले पकाने के लिए तो इसीलिए हमने इसी स्टेज पे पानी डाल दिया है और इसके साथ ही हमने डाल दिया है एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और एक ही छोटा चम्मच हमने डाला है इसमें कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं मत डालिएगा ये सिर्फ कलर के लिए होती है स्पाइसेस स्पाइसनेस इसमें नहीं होती है और इसके साथ ही हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला ये एवरेस्ट का गरम मसाला आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे नमक नमक हमने इसमें एक टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने बहुत ही आ, आपको रेसिपीज की दी है बहुत बार मैंने बताई भी और इसकी रेसिपी भी मैंने दी है कि इस टाइम पालक थोड़ा सा कॉस्टली है कॉस्टली से ज़्यादा आजकल की पालक जो है वो ना थोड़े कीड़े खाए हुए हैं अच्छी नहीं आ रही हैं थोड़ी टाइट भी आ रही है तो जब सीजन का पालक था तो मैंने इसको स्टोर किया था और इसका वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा या फिर मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है और इससे गाइस बिल्कुल आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे आप कि इसमें मतलब जो पालक का टेस्ट है ना बिल्कुल फ्रेश पालक वाला टेस्ट इसमें आएगा जिस तरह से मैंने इसको स्टोर किया अगर उस तरह से आप स्टोर करेंगे तो और बस इसको कवर करके दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता क्योंकि ये फ्रीज़र में मैंने स्टोर किया है तो इसको मेल्ट करना ज़रूरी है अगर आपको पहले आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको पहले दस मिनट पहले निकाल के रख दीजिए दस से पंद्रह मिनट पहले ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा अच्छे से तो उसके बाद आप यूज़ कर लीजिएगा आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं बस इसको ढक करके हमको दो मिनट दो से तीन मिनट छोड़ना है जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमको चला देना है एक बार मिक्स कर देना अच्छे से देन इसको कवर करके तीन मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारे मसाले को पकाना है जब तक कि जो मसाला है जो तेल है वो मसाले को छोड़ने ना लग जाए देखिए कुछ इस स्टेज तक हमको इसको पकाना है और बस इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हुए आलू रखे हैं उनको ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर देंगे गाइस इस तरह से आप आलू पालक कोफ़्ता करी एक बार बनाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे बहुत ही टेस्टी वाली आलू को पालक कोफ्ता करी बनी थी मेरी और घर में सबको बहुत पसंद आई थी बस इसको मैंने मिक्स कर दिया और जितना आपको पानी चाहिए होगा ग्रेवी जिस तरह जिस तरह की चाहिए होगी आप उस तरह से पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा वैसे ये जो आलू पालक कोफ्ता करी होती है ना ये थोड़ी सी थिक होती है हल्की सी जब पालक की कोई भी रेसिपी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है ना तभी मज़ेदार लगती है तो मैंने इसमें पानी जो है अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है आप देख लीजिए अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए होगा तो थोड़ा सा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं बस इसको कवर करके पाँच मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ेंगे और उसके बाद इसको एक स्टर दे देते हैं अभी ये जो सब्ज़ी है हमारी ना ये पक्की नहीं है इसको दो मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे लो फ्लेम पर और बस दो मिनट बाद ओपन करेंगे तो हमारी जो सब्जी है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसके पहले सब्जी का कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था अभी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि तभी मेरे घर में जो लाइट है वो नहीं थी अभी लाइट आ चुकी है तो इसलिए बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें दिख रहा है तो ये नेचुरल कलर कलर एक्चुअली है इसका तो इसको हमने बना लिया है बस हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये एक सब्जी को आप पूरी पराठे रोटी के साथ चावल के साथ किसी के साथ भी आप खाएंगे ना बहुत ही अमीर लगती है बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों के टिफिन में भी अगर आप चाहें तो इसको दे सकते हैं लीक प्रूफ टिफिन होनी चाहिए क्योंकि इसमें हल्की सी ग्रेवी है तो आप इसको दे सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार गाइस तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिए आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी चलिए मिल...